सबमेटिव असैसमेंट डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे समेटिव असेसमेंट यानी तकनीली जायजा के बारे में बात करनी है सो इट अ टाइप ऑफ असमेंट दैट एवेल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द यूनिट आर एंड ऑफ द कोर्स एंड ऑफ द समेस्टर एक्डेमिक पीरियड माईअर द ओवरऑल आउटकम्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंसिस अब हम देखते हैं कि वट इज़ द पर्पज ऑफ सबमिटिव असेसमेंट पर्पस इट्स प्राइमरी पर्पज़ टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैव अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स अ स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर मेकिंग जजमेंट्स अबाउट देयर लेवल ऑफ प्रोफेशनसी यानी स्टूडेंट्स ने किस हद हाँ तक अपने कोर्स में से वो उसने uh, महारत हासिल की है और ये सारा इसका और कितनी उसमें प्रोफिशेंसी उसको अपने स्किल्स में नॉलेज में हासिल हुई है एंड ऑफ यूनिट एंड एंड ऑफ कोर्स असेसमेंट तो बेसिकली टाइपिकली इट एडमिनिस्ट्रेट एंड ऑफ द यूनिट द कोर्स सेमेस्टर के एंड पर एकेडमिक पीरियड के एंड होने पर और डिज़ाइन टू मईर द क्यूमुलेटिव लर्निंग तो स्टूडेंट की मजबूरी लर्निंग का इसमें आ, किया जाता है इसको मैयर किया जाता है और स्टूडेंट की अचीवमेंट और इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के रिज़ल्ट और प्लस सेशनल मार्क्स उनको और एंड ऑफ द टर्म जो सबमिटिव एग्जाम है इन सब को इकट्ठा करके क्यूमुलेट करके रिज़ल्ट बनाया जाता है तो अब ये तस्वीर भी आपको एक नज़र आ रही है जिसमें फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट में फ़र्क बताया गया है और इसमें आ, ये क्या काम करती हैं ये इसमें बताया गया है तो एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग फोकस ऑन असेसिंग द नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स हैव अक्वायर्ड ओवर आ पीरियड ऑफ टाइम तो एक पीरियड के दौरान ज उन्होंने लर्निंग आ, जो उसके नॉलेज है स्किल्स हैं एटीच्यूड्स हैं वो सब हासिल किए इसमें आ, देखे जाते हैं द रिजल्ट आर ऑफन यूज किस के लिए असाइन ग्रेड्स आर डिटर्मन प्रोफिशेंसी लेवल और इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो मुखलिफ टेस्ट हैं किस में स्टैंडर्डाइज आर क्राइटेरियन रेफरेंस तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होते हैं जो किसी स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया की बेस पर हम स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है या परफॉर्मेंस को उसको मैयर करते हैं और स्पेसिफिक जो क्राइटेरियाज हैं इसको तो ऐसे टेस्टों को हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग जो सबमेटिव असेसमेंट है कैन गो फॉर असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवैलुएशन आप कग्नेटिव डोमेन में देखें नॉल जो उसका पहला डोमेन है उसके छः लेवल हैं जो पहले तीन हैं वो सिंपल ऑर्डर नॉलेज के बारे में है स्किल्स के बारे में है और बाद वाले जो तीन ये जो जिनका नाम लिया है मैंने अनालिस सिंथिसिस एंड एवेलुएशन ये सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं सो दे मे इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और ऐसे प्रोजेक्ट्स और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के जरिए इनको किया जाता है और लिमिटेड फीडबैक असल में इसका जो परव्यू होता है ये लिमिटेड फीडबैक है ये एक्चुअली उस पीरियड के लिए नहीं होता जो uh, मतलब आप पूरा कर चुके होते हैं ठीक है तो सबमेटिव असमेंट टाइपिकली के प्रोवाइड्स लिमिटेड फीडबैक द फोकस ऑन वेल्यूटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रादर देन गाइडिंग इंस्ट्रक्शन तो ये स्टूडेंट्स की चूंकि ये बेसिकली इसका काम है डिसीजन मेकिंग और जजमेंट करना है और ये एक मैचिंग प्रोसीजर है तो अब तस्वीर भी आपको नजर आ रही है इसमें कंपैरिजन है फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट का जिसको आप स्टडी कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैरिजन जो सबमेटिव uh, असेसमेंट है ये इसका जो परव्यू है वो क्या है होल्ड स्टूडेंट्स टीचर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल किस तरह कि इससे टीचर की भी असेसमेंट होती है इसमें कोर्स की भी असेसमेंट होती है इसमें इंस्टीट्यूशन की भी असेसमेंट होती है ठीक है फॉर मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स और प्रोवाइड बेसिस फॉर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस इंडिविजुअल स्कूल्स और डिस्ट्रिक्स तो इनको हम स्कूल्स को डिफरेंट पूरे मुखलिफ स्कूलों के लिए पूरे डिस्टिक के लिए यस इस तरह उनको हम यूज़ कर सकते हैं और हाई स्टेक असेसमेंट बेसिकली जो सबमेटिव असेसमेंट है ये हाई स्टेक असेसमेंट है वो इस तरह कि फाइनल एग्जाम मे हैव हाई स्टेक्स अटैच्ड टू देम लाइक क्या कि ग्रेड प्रमोशन ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स और कॉलेज एडमिशंस ये सारे इसकी बेस पर uh, हम uh, ये इसकी बेस पर हम डिसीजन करते हैं इसलिए ये हाई स्टेक असेसमेंट है फिर हम जब टेस्ट लेते हैं तो उनकी रिलायबिलिटी और वैलिटी को देखना भी ज़रूरी है सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट और वैलिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच एन असेसमेंट इट टू मईर्स यानी जो टेस्ट जिस चीज़ को मैयर करने का क्लेम करता है वही और इसको ये एक्यूरेसी इससे मुराद होती है और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्ूरेसी एंड फेयरनेस ऑफ द असेसमेंट वो भी इसमें रिलायबिलिटी और वेलिटी में आएंगे और असेसमेंट डिजाइन एंड रूब्रेस्क तो असेसमेंट जब डिज़ाइन टू अलाइन विद द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स और इसमें रूब्रेक्स भी बनाए जाते हैं और फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए सो स्कोरिंग क्राइटेरिया आर यूज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन एवेल्युएशन